मैं भी मानता हूं कि वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहिए, आखिर इसकी जरूरत ही क्या है। जरूरत की क्या बात है, अगर दो समझदार युवक युवती प्रेम के बारे में बात करना चाहें या एक दूसरे से दिल की बात कहना चाहें तो ये अच्छा मौका है, इसमें बुराई क्या है। तो हमारी परंपरा के ही खिलाफ है, दरअसल ये सब तो पश्चिमी मुल्कों में ही होता रहा है। तुम परंपरा कह रहे हो, उसी परंपरा में मदनोत्सव या होली जैसे त्योहार भी हैं जिसमें राजा अशोक के पेड़ पर हल्की लात मार देता है, अशोक के फूल गिर जाते हैं और आपसी प्रेम का त्योहार शुरू हो जाता है। होली तो रंगों का त्योहार है, इसमें प्रेम की बात भला कहाँ से आ गई, ज्यादा से ज्यादा बैर भाव भुलाकर गले मिलने की बात हम कह सकते हैं। वैलेंटाइन में भी कहां लिखा है कि ये शादी कर लेने या भाग जाने का उत्सव है, जैसे होली में आपसी कटुता भुलाकर प्रेम की शुरुआत होती है वैसा ही वैलेंटाइन में भी होता है। अरे जब होली है तो वैलेंटाइन मनाने की भला जरूरत क्या है, होली मनाओ और सारे अरमान पूरे कर लो, भला विदेशी संस्कार हमारी संस्कृति पर क्यों लादो। संस्कृति विविधता में एकता का नाम है, अगर देश के लोगों को लगता है कि उन्हें अपने रिश्तों जज्बात को प्रकट करने के लिए एक और उत्सव चाहिए तो इसमें कोई अड़ंगा क्यों लगाए, ये तालिबानी ठेकेदारी बिल्कुल गलत है। जो आपके मन का ना हो वो तालिबानी और ठेकेदारी, और जो आपके मन का हो वो सहिष्णु और धर्मनिरपेक्षता, ये बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यही तो कह रहे हैं भाई, जो जिसके मन का है करने दो, देश में कानून है, न्यायालय है, सरकार है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है, अगर कुछ गलत होगा तो देखेंगे वो, कोई जबरदस्ती टांग क्यों फंसाए। अरे हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार कह तो रही है कि मातृ पिता का पूजन का दिवस मनाओ, अब भला इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन वैलेंटाइन्स डे को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के इरादे कुछ और ही है। ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के कलेक्टर जेके जैन, जिन्होंने बाकायदा नोटिस भेजकर 14 फरवरी को जिले के स्कूल कॉलेजों में मातृ पितृ दिवस के तौर पर मनाने का आदेश दिया है। नोटिस में लिखा गया है, बच्चों और युवा वर्ग में माता पिता के प्रति पूज्य भाव प्रदर्शित करने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए 14 फरवरी 2017 को छिंदवाड़ा जिले में मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाया जाए। ये आदेश जारी करने के बाद कलेक्टर साहब ने तो चुप्पी साध ली, लेकिन सियासी तूफान खड़ा हो गया। माता पिता की इज्जत और उनके सम्मान की बात करते हैं तो ये हर स्तर पर होना चाहिए, स्कूल ही क्यों, हर घर में होना चाहिए, हर क्षेत्र में होना चाहिए, हर वर्ग में होना चाहिए, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि छिंदवाड़ा ही अकेला ऐसा जिला है जहां पर वैलेंटाइन डे को मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें देखिए जो 4 साल पुरानी है। कलेक्टर को यही से प्रेरणा मिली होगी, इस बार भी सरकार की तरफ से ऐसा ही आदेश आया है। शासन से एक आदेश प्राप्त हुआ है कि 14 फरवरी को सारे स्कूलों में, चाहे वो निजी स्कूल हो या फिर हमारे शासकीय स्कूल है, वहां पर मातृ पितृ पूजन दिवस आयोजित किया जाना है। ये संयोग ही है कि वैलेंटाइन डे मातृ पितृ दिवस के तौर पर मनाने की सबसे पहले वकालत आसाराम ने की थी। पुत्र पुत्री माँ बाप को स्नेह करे और माँ बाप बेटे बेटे को स्नेह करे, ये 14 फरवरी को तुम कर सकते कि नहीं कर सकते। तुम्हारा पुत्र पुत्री पड़ोस किए युवक युवतियों के साथ बुरी नजर रखे और फूल दे यार आई लव यू, ये सत्यानाशी परंपरा हमारे जीवन में जरूरी है क्या? आसाराम ही नहीं, बजरंग दल से लेकर शिवसेना तक वैलेंटाइन डे का विरोध करने के नाम पर कानून हाथ में लेते रहे हैं। ये तस्वीरें पुरानी जरूर हैं, लेकिन ये बताने के लिए काफी हैं कि कैसे कुछ लोगों को विरोध करने के नाम पर प्रशासन और सरकार की तरफ से झूठ दे दी जाती है। इस मौसम में भी वैलेंटाइन डे को भुनाने की तैयारी है। यूपी में बजरंग दल ने इसका विरोध करने का ऐलान किया है। पंजाब में परशुराम सेना ने इसके विरोध में कमर कस ली है। जम्मू कश्मीर में दुख्तराने मिल्लत और जम्मू में श्रीराम सेना ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
365 दिन प्रेम के हैं, वैलेंटाइन डे क्या एक दिन कोई, अगर मान लीजिए 15 फरवरी को किसी लड़के को किसी लड़की को प्रपोज करना है तो वो क्या अगली 14 फरवरी का इंतजार करेगा? ये एक पाश्चात्य संस्कृति हमारी संस्कृति पर कहीं ना कहीं आघात पहुंचाने का प्रयास कर रही है और बाजारवाद इसको बढ़ावा दे रहा है। भारत ही नहीं, अमेरिका में भी इस बार वैलेंटाइन डे का विरोध हो रहा है। जो अमेरिका पश्चिमी संस्कृति की सबसे बड़ी मिसाल है, उस अमेरिका के ओक्लाहोमा शहर में इस बार वैलेंटाइन डे का जश्न नहीं होगा। प्रशासन ने वहां 1980 से होते आ रहे फुटलूज डांस पर पाबंदी लगाने का फैसला सुना दिया है। ऐसे में ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि समाज में किसी भी चीज के विरोध की सीमा और आधार आखिर क्या होना चाहिए? सही तरीके से जब हम किसी चीज को नहीं समझते हैं तो विरोध के स्वर भी पैदा होते हैं। हमारे देश में प्रेम तो पहले से ही एक आदर्श रहा है और भारतीय समाज में जो परिवार संस्था है उसकी बुनियाद भी प्रेम है। सारे रिश्तों में प्रेम का आधार रहा है, तो फिर इस चीज को जो नए नवाचार नई बातें हैं या नए मूल्य हमारे समाज में यदि सांस्कृतिक सम्मेलन से आ रहे हैं तो फिर हमें उसको अपने ढंग से सोचने की जरूरत है, बनस्पत इसके की विरोध।